नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये 10 काम बच जाएंगे पितरों के क्रोध से लेकर आया हूँ। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होता है और सर्व पितृ अमावस्या पर 16 दिनों के बाद समाप्त होता है। इस समय सूर्य देव कन्या राशि में स्थित होते हैं। इस अवसर पर चंद्रमा भी पृथ्वी के काफी निकट होते हैं। चंद्रमा के थोड़ा ऊपर पितृलोक माना गया है। सूर्य रश्मियों पर सवार होकर पितृ पृथ्वी लोक में अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ आते हैं तथा अपना भाग लेकर शुक्ल प्रतिप्रदा को सूर्य रश्मियों पर सवार होकर वापस अपने लोक लौट जाते हैं। पितृ पक्ष में हिंदू अपने पूर्वज अर्थात पितरों की पूजा करते हैं, खासकर उनके नाम पर भोजन दान और तर्पण के द्वारा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पितृ पक्ष के 16 दिनों में पितरों को यमलोक से मुक्त किया जाता है और उन्हें पृथ्वी पर जाने की इजाजत होती है। पितृ पक्ष में पितृगण का श्राद्ध तर्पण करने से पितर प्रसन्न होकर शुभ फल देते हैं। यही नहीं, इससे परिवार में सुख शांति रहती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनका पितृ पक्ष के दौरान खास ख्याल रखना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों में पितर किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकते हैं। भूल कर भी अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव का निरादर ना करें। पितृ पक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उसे पितृ पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खान पान में मांस मछली को शामिल नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा व बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में स्थान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध एवं पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। जो लोग इन स्थानों पर पिंडदान या श्राद्ध नहीं कर सकते वो अपने घर के आंगन में जमीन पर कहीं भी तर्पण कर सकते हैं, लेकिन किसी और के घर की जमीन पर तर्पण नहीं करना चाहिए। श्राद्ध एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का बड़ा महत्व है। श्राद्ध करने वालों को पितृ कर्म में काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए, लाल एवं सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाने का नियम है। भोजन पूर्ण सात्विक एवं धार्मिक विचार वाले ब्राह्मण को ही करवाना चाहिए। पितृ पक्ष में भोजन करने वाले ब्राह्मण के लिए भी नियम है कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने के बाद कुछ ना खाएं। इस दिन अपने घर में भी भोजन नहीं खाएं। शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गायों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान नए वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, ये थी पितृ पक्ष में भूल कर भी ना करने जैसी कुछ बातें जो हमने आपको अभी बताई। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।